हाय गाइस, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल के एक और नए एपिसोड में। एंड गाइस, आज मैं एनर्जी से भरा हुआ हूँ। यस, मतलब मेरे को लग रहा है कि एकदम मतलब सर से लेके पांव तक पूरा एकदम जादुई शक्ति आ गई है मेरे अंदर। गाइस, ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो कि ताबड़तोड़ मतलब TS10 तो खत्म, दी एंड, मतलब रेस्ट इन पीस। क्यों बोल रहा हूँ ये आपको पूरी वीडियो में पता चलेगी। गाइस, जो अटैक्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके बाद, अगर कोई भी TH10 11 एंड 12 का प्लेयर यहाँ पे है, अगर ये वीडियो देख रहा है, भाई भाई भाई, आप लोगों के स्ट्रेटजीज वॉर के सारे चेंज होने वाले हैं। सब अब ये सारी स्ट्रेटजीज जो हैं ये सब फॉलो करने वाले हैं, आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर। तो रिक्वेस्ट करूंगा सभी से गाइस कि प्लीज़ एंड प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स, ताकि आपके क्लैन मेंबर्स, ताकि जो भी क्लैश ऑफ क्लैंस लवर है ये स्ट्रेटजीज के साथ धूम मचाएं क्लैश ऑफ क्लैंस में। यस, शुरू करते हैं गाइस। मैं आपको तीन अटैक्स दिखाऊंगा, तीनों के तीनों ताबड़तोड़, पलंग तोड़, जो भी बोलना है बोलो, बट झकास अटैक्स है, गॉड स्ट्रेटजीज। मैंने इन्हें गॉड स्ट्रेटजीज नाम दे रखा है, क्यों, सच में ये गॉड स्ट्रेटजीज है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट एंड सबसे मतलब एकदम करारा अटैक जो कि मैं दिखाने के लिए बेसब्र हो रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। लेट्स मूव स्ट्रेट इनटू द वीडियो गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले ये वॉर हमने फिनिश करा है, और आप लोग वॉर के अटैक्स देखना चाहते हैं, चलिए आपको वही दिखाते हैं। नंबर 5 के ऊपर मैंने अटैक करा गेम चेंजर अकाउंट से। मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स को पता है मेरा टाउन हॉल 10 का अकाउंट है गेम चेंजर, ये बेस है, किसी भी नजरिए से ये कोई नॉर्म मतलब कोई कमजोर बेस नहीं है, काफी टफ बेस है, अच्छा बेस है, और इस बेस को हमने हंसते खेलते मजाक ही मजाक में 3-स्टार कर दिया है, सच में। यस, मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रेटजी। सबसे पहले आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये कोई मजाक चल रहा है। 6 बैट स्पेल्स, यस, 6 बैट स्पेल्स, 1 स्केलेटन स्पेल, 2 हेस्ट और 1 फ्रीज, और उसी के साथ मैं यूज कर रहा हूँ 23 बलून्स, 2 मेरे पास बेबी ड्रैगन्स है, कुछ मिनियंस हैं, एंड 3 लावा हाउंड और स्टोन स्लैमर। चलिए मैं आपको अटैक बताता हूँ क्या करना है। पहले आपको जो पहला मैं करूंगा ना वो देख के आप चौंक जाएंगे कि मैं क्या करने क्या वाला हूँ। तो सबसे पहले इस वाले बेस में मैंने क्या करा गाइस, यहाँ पे एक विजिट टावर था जो कि थोड़ा बाहर की तरफ था, तो मैंने उसको अपने एक बेबी ड्रैगन की मदद से उसे क्लियर कर दिया, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। अब यहाँ पे रेज ड्रॉप किया और बैट स्पेल्स ड्रॉप करे, अब आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है यहाँ पे। अब देख सकते हैं गाइज, मतलब कोहराम मच गया है बेस में, सारे चीजें बैट स्पेल्स इतने तेजी से टेक डाउन कर रहे हैं। मैंने क्वीन कोर एयर डिफेंस को थोड़ा सा फ्रीज कर दिया ताकि टाइम मिले बैट स्पेल्स को और सारी चीजों को टेक डाउन करने में, और देखते ही देखते गाइस 20% बेस खाली हो गया, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 20% बेस खाली हुआ है, बट एक चीज आप याद रखिएगा, जितना 20% खाली हुआ है वो सिर्फ डिफेंस था, क्योंकि बैट स्पेल सिर्फ डिफेंस को टारगेट करता है। अभी भी मैंने कोई भी ट्रूप यूज नहीं किया है, सिर्फ एक और एक बेबी ड्रैगन यूज किया है, सॉरी, यस एक बेबी ड्रैगन यूज किया। अभी भी मेरे पास पूरी आर्मी पड़ी हुई है, हीरोज पड़े हैं, सीज मशीन पड़ा हुआ है, अभी भी मेरे पास 1 बैट स्पेल, 1 स्केलेटन स्पेल और 2 हेस्ट स्पेल पड़ा हुआ है। अब बाकी का मैं दिखाता हूँ क्या होगा, मजाक है ये, एकदम सच में बता रहा हूँ। इस अटैक स्ट्रेटजी के बाद गाइज अब कोई भी बेस बचने वाला नहीं है, आराम से हंसते खेलते अब सारे बेसेस 3-स्टार होंगे। मैं आपको और भी डेमो दिखाऊंगा, और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या होने वाली है, TH12 को, यस आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, TH12 को हंसते खेलते मैं 3-स्टार करने वाला हूँ इस वाले वीडियो में, मैंने किया है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल सीन ये है गाइस कि स्टोन स्लैमर ने यहाँ पे इन्फर्नो टार को भी निकाल दिया, बहुत हंसी आ रही है मेरे को, सच बता रहा हूँ, क्योंकि जो हाल हो रहा है यहाँ पे बेसिस का, अब देख सकते हैं कचूम्बर बना दिया सब कुछ का, सब कुछ को लिटरली कुछ छोड़ा नहीं है। सीज मशीन जो है मेरा, वो स्टोन स्लैमर, वो और आगे बढ़ रहा है और एक एक स्प्लैश में सारे डिफेंसेस को टेक डाउन कर रहा है, वॉल्स भी ओपन कर रहा है, हीरोज वॉल्स के अंदर भी जा रहे हैं। इस बेस में सारे एयर डिफेंस टेक डाउन हो चुके हैं अभी तक, ये लास्ट एयर डिफेंस बचा था वो भी टेक डाउन हो गया अभी तक मैंने 2 लावा हाउंड, अभी भी मैंने लावा हाउंड्स को डिप्लॉय नहीं किया, अभी कर रहा हूँ, और बाकी बलून्स को मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ। बट बेस में आप सच बताऊँ कुछ बचा है क्या, बचा है, कुछ नहीं बचा है, कौन डिफेंड करेगा। सीसी से एनिमी सीसी से क्या निकला पता है, 1 लावा हाउंड, नॉर्मली सब रखते हैं लावा हाउंड रखते हैं, तो लावा हाउंड यहाँ पे भी हमें देखने को मिला, लावा हाउंड अगला सीसी से मेरी क्वीन को टेक डाउन कर लिया बलून ने, बट मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास इतने सारे बलून्स, इतने सारे लावा हाउंड, अभी भी मेरे पास 1 हेस्ट, 1 स्केलेटन और 1 पॉइजन पड़ा है। मैंने इन्फर्नो के सामने बैट स्पेल्स और स्केलेटन स्पेल को ड्रॉप कर दिया, बैट्स ने आराम से बैट जो है वो इन्फर्नो टावर को भी निकाल देगा, उसके बाद कुछ नहीं बचता, लिटरली कुछ नहीं बचता। अगर आपको दिखाऊं मैं अच्छे से गाइज, अभी भी आप देख सकते हैं लावा हाउंड जो है वो अभी तक पॉप नहीं हुआ है, इतने सारे बलून्स बचे हैं, किंग बचा है अभी भी मेरा, और ये बेस जो आराम से 3-स्टार हो रहा है, मतलब आप सोच सकते हो कितना इजी हो गया है। अब बैट स्पेल्स आर ऑसम,
आपको और स्ट्रेटजीज में लाने वाला हूँ इन फ्यूचर, फ्यूचर नहीं बहुत जल्द, कल परसों में और वीडियोस लाने वाला हूँ आप लोगों को यूजिंग बैट स्पेल्स, बहुत मजा आने वाला है गाइस, सच बता रहा हूँ। क्लीनअप प्रोसेस है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि ये क्लीनअप प्रोसेस जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, ठीक है, बहुत जल्द हो जाएगा कंप्लीट। ये एक अटैक था गाइस टाउन हॉल 10 का जो मैंने आपको दिखाया, और भी अटैक्स करे हमने, बट मैं आपको एक फ्रेंडली चैलेंज का अटैक दिखाना चाहता हूँ क्योंकि वो बेस जो था वो काफी अच्छा बेस है, बहुत लोग वो बेस रखते हैं, बट फिर भी उस बेस को हमने इजिली मक्खन बटर की तरह उसको 3-स्टार कर दिया। अब मैं आपको एक TH12 का अटैक दिखाता हूँ, आपको लग रहा होगा कि TH12 का सीन कैसा होगा। मैंने अपने ऑप्टिमस प्राइम, जो कि मेरा मेन अकाउंट है, इस बेस को मैंने 3-स्टार करा है, ठीक है। ये बेस देखो गाइस, कोई भी एंगल से ये कोई वीक बेस नहीं लगता आपको, ठीक है। डिफेंसेस जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है, एयर डिफेंस सारे के सारे अच्छे से अपग्रेडेड हैं, इन्फर्नो टार, 3-3 इन्फर्नो टार, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, वो भी अच्छे खासे लेवल के हैं, 60 लेवल की फ्रिकिंग क्वीन है यहाँ पे, 5-स्टार गीगा टाउन हॉल है यहाँ पे, सब कुछ है। बट मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमने इस बेस का मजाक बनाया, यस मैं 3-स्टार नहीं बोल रहा हूँ, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ मजाक बनाया, कैसे हमने इस बेस का आपको अभी देखने को मिलेगा मैं क्या करने वाला हूँ। 1 रेज ड्रॉप किया मैंने यहाँ पे, बैट स्पेल्स मैंने ड्रॉप कर दिए, एक बैट स्पेल मैंने अभी भी इंटैक्ट रखा है, और आप देखेंगे थोड़ी देर में कि क्या हाल होने वाला है इस बेस का, ठीक है, कितने चीज़ें टेकडाउन होगा वो आप देख लीजिए। आर्चर टावर्स फटाफट टेकडाउन हो रहे हैं, एयर डिफेंस फटाफट टेकडाउन हो रहे हैं, इवन की ईगल आर्टिलरी, और ये अगर स्वीपर ना होता ना यहाँ पे तो ये एयर डिफेंस भी गया था, ईगल आर्टिलरी भी टेकडाउन हो गया, मतलब क्या बताऊँ मैं, स्पीचलेस हूँ, मजा आ रहा है ये सारे अटैक्स करने के, मैं जो मजा है ना गाइज एक अलग लेवल का मजा है। तो आप देख सकते हैं गाइज कि बेस का क्या हाल हुआ, 19% हमने एक बेस को टेकडाउन कर लिया है यूजिंग सम बैड स्पेल्स, और सारे के सारे चीज़ें जो हमने टेकडाउन करी है अभी तक वो सिर्फ डिफेंस थे, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ सिर्फ डिफेंस, ऐसा नहीं है कि हमने 19% डैमेज किया बेस को, हमने 19% ऑफ द डिफेंस टेकडाउन कर लिया है बेस का। अब यहाँ पे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ अपना, जैसे कि सेम स्ट्रेटजी हमने अपनाई थी, सेम स्ट्रेटजी, 2-3 बलून डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और उसके पीछे से स्टोन स्लैमर। आप देख सकते हैं गाइज एक चीज़ यहाँ पे कि एक अच्छा सा पैटर्न भी बन गया है बेस में, एक काव शेप बन गया है, एल पैटर्न सा बन गया है, तो यहाँ पे और आसानी हो जाती है। 2-3 बलून्स मैंने ड्रॉप करे, पीछे से अपना स्टोन स्लैमर मैंने ड्रॉप करा, और उसके बाद आराम से स्मूथली मैंने यहाँ पे इस लास्ट वाला जो इन्फर्नो बचा था, इस इन्फर्नो को भी मैंने टेकडाउन कर लिया। तो बस गाइज बोलने का मतलब यही है कि ये जो स्ट्रेटजी है, गॉड स्ट्रेटजी मैं बोल रहा हूँ इसे, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कितनी आसानी से हम लोग बेसिस को 3-स्टार कर रहे हैं। CC से डबल ड्रैगन निकला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी निकले कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई स्पेल्स की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि डबल ड्रैगन को टेक केयर करने के लिए आपके हीरोज हैं, काफ़ी हैं। एक बेबी ड्रैगन मैंने ड्रॉप किया पीछे से, क्योंकि बेबी ड्रैगन का जो डैमेज है वो भी इनसेन होता है, अगर आप सिंगल बेबी ड्रैगन ड्रॉप करते हो वो रेज हो जाता है, और हमने आराम से दोनों बेबी ड्रैगन को टेक डाउन कर लिया। अब आराम से मैं बलून्स को ड्रॉप कर रहा हूँ, पीछे से लावा हाउंड्स को ड्रॉप कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। गीगा टेस्ला के लिए मैंने अपना वार्डन कबिलिटी बचा के रखा है, एनिमी क्वीन अभी भी बची हुई है, इतने सारे डिफेंसेस अभी भी बचे हुए हैं, बट लाचार है सब, सबके सब लाचार हो चुके हैं। लास्ट एक फाइनल नहीं, एक और हिस्ट स्पेल मेरे पास बचा हुआ है, एक और हिस्ट है, यहाँ पे एक हिस्ट था वहाँ पर मैंने ड्रॉप करा, और जैसे गीगा टेस्ला का डिस डैमेज हुआ वैसे मैंने अपना वार्डन की एबिलिटी टैप करके डिस डैमेज से अपने सारे बलून्स को बचा लिया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस बहुत सारे पप्स निकल चुके हैं जो कि बेस क्लीन करने में मेरे को मदद करेंगे। फाइनल जो हेस्ट मैंने था वो यहाँ पे ड्रॉप करा, फ्रीज कर दिया मैंने इस मेन कंपार्टमेंट को, और उसके बाद बाकी जो था वो हिस्ट्री बन के रह गया इस बेस में। आराम से मक्खन बटरी स्मूथ गाइस, सच में बटरी स्मूथ। अभी भी मेरा किंग बचा हुआ है, अभी भी मेरी क्वीन बची हुई है, अभी भी मेरा वार्डन बचा हुआ है, अभी भी इतने सारे ट्रूप्स बचे हुए हैं। तो अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये अटैक्स बोल रहे हैं गाइस, आप देख रहे हो, आपको सब पता चल चुका है आपको क्या करना है। ये अटैक प्रैक्टिस करो, CWL आ रहा है, आप धमाल करने वाले हो, आप लोग जो मजा करने वाले हो ना, इनसेन इनसेन मजा करने वाले हो। तो ये 2 अटैक्स मैंने दिखाए गाइस, और एक अटैक और था जो कि फ्रेंडली चैलेंज मैं दिखाना चाहता हूं गाइस, क्योंकि सच बता रहा हूं अटैक बहुत ही शानदार है। तो चलिए वो फ्रेंडली चैलेंज वाला अटैक मैं आपको दिखाता हूं। सो ये रहा गाइस TH10 का बेस, सच बता रहा हूँ ये बेस बहुत ही टफ बेस है। कोई भी TH10 का प्लेयर देख रहा है, अगर किसी कभी उसने वॉर पे इस बेस पर अटैक किया उसको पता होगा कतई इजी नहीं है इस बेस को 3-स्टार करना, बट इस वाली स्ट्रेटजी के साथ आप देख सकेंगे कि मजाक बनाया इस बेस का, सच बता रहा हूँ। सारे बैट स्पेल्स यहाँ पे ड्रॉप कर दिए गए हैं, मैं आपको पॉज करके दिखा रहा हूँ, रेज करे जाएंगे और उसके बाद का जो सीन है वो आपको पता है। जैसे रेज ड्रॉप होगा बैट्स जैसे पागल से हो जाएंगे और चारों तरफ से डिफेंस को टेकडाउन करना शुरू कर देंगे, सच बता रहा हूँ। यहाँ पे एक विजिट टार ना होता ना, ये वाला विजिट टार अगर ना होता, यहाँ पे विजिट टार को फ्रीज अगर किया जाता तो बेस तो एकदम तबाही हो जाती। ऐसे भी कुछ बचा तो था नहीं बेस में, तबाही तो ऐसे भी हुई थी, बट फिर भी गाइस 20% सिर्फ बैट स्पेल्स की मदद से यहाँ पे टेकडाउन कर लिया गया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ डिफेंस, ना कि कोई ट्रैश बिल्डिंग, मजाक नहीं है ये। और उसके बाद का जो सीन है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको पता है, जैसे मैंने अटैक्स में आपको दिखाए 2 बलून्स ड्रॉप करे, 2-3 बलून्स ड्रॉप करे, पीछे से अपना जो है स्टोन स्लैमर को ड्रॉप करे, वो भी एक आधा डिफेंस को टेकडाउन कर लेगा, एक आधा नहीं अच्छे खासे डिफेंसेस को टेकडाउन कर लेगा, और
बचता क्या है ये मैं सोच रहा हूँ, बचता क्या है। सीसी से एक इलेक्ट्रो ड्रैगन निकला था, बट अभी भी आपके पास हीरोज हैं, और यहाँ पे एक जो इन्फर्नो टावर था उसे भी आपने टेक डाउन कर लिया, कुछ नहीं बचता गाइज, कुछ नहीं। गॉड स्ट्रेटजी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गाइज। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और CWL में धूम मचाना है आप लोगों को, तो ये अटैक्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो अभी से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन को भी टेक डाउन कर लिया, बस अब एक बलून बचा था सीसी से जो निकला हुआ था उसको भी टेक डाउन कर लिया जाएगा। और यहाँ पे किंग ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, आप देख सकते हैं साइड में बहुत सारे, यहाँ पे टिस्ला फार्म था उसको टेक डाउन कर लिया, और उसके बाद आपके लावा जो है, लावा हुंड और अपने बलून्स जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। बट ड्रॉप तो हो रहे हैं बट किस चीज़ को टारगेट करेंगे मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि डिफेंस के नाम पर कुछ बचा ही नहीं है। फाइनल एक कंपार्टमेंट था यहाँ पे जहाँ पे सारे लावा हुंड्स मूव कर रहे हैं, और हेस्टपेल की मदद से सारे बलून्स जो है वो यहाँ पे आ गए हैं। कुछ नहीं बचा है, लिटरली बोल रहा हूँ कुछ नहीं बचा है, एक आधा डिफेंस बचा हुआ है, क्वीन की हेल्थ जो है थोड़ी सी बची हुई है। अभी भी बहुत सारे पॉप्स हैं जो कि अभी तक एक्सप्लोड भी नहीं हुए हैं, दो लावा हाउंड अभी तक एक्सप्लोड नहीं हुए हैं, वो भी हंसने वाली बात है गाइस, सच में मजाक है ये। तो यही बोलना चाहूँगा गाइस कि स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, प्लीज़ थोड़ा मल्टीप्लेयर में प्रैक्टिस करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड है। और मेरे को, मैं डैम श्योर हूँ कि सुपर सेल जो है वो नर्फ कर देंगे बैट स्पेल को, तो इससे पहले कि नर्फ हो जाए, इससे पहले बैट स्पेल नर्फ हो जाए आप दबा के यूज़ करो बैट स्पेल्स। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई नहीं पता कि कब नर्फ हो जाएगा। तो इस अटैक में मैंने आपको यही दिखाया, तो बहुत अच्छा लगा गाइस, बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना के मेरे को इतना मज़ा आया, सच बता रहा हूँ। सो गाइज़ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, होप श्योर को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मैं बार बार शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर फर्स्ट टाइम हो चैनल पे। और गाइज़ प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करूँगा, कमेंट सेक्शन में जाओ, आपको अगर कोई भी और अटैक आपके पास पता है, अगर आपके पास कोई भी अच्छा स्ट्रेटजी है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करूँ, मैं उसे भी ट्राई करूँगा, और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो मैं उसे करके भी दिखाऊंगा, और आपको एक बहुत बड़ा शाउट आउट भी दूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही था, होप श्योर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलूंगा गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें, एंड एज यूजुअल गाइस, जय हिंद।